बैक टू वील्स वंडरलस्ट। आई एम कार्तिक एंड आई एम गौरव। और आज जिस कार का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मारुति सुजुकी एक्टिवा। तो ये बेसिकली 2019 का मॉडल है, तो आप देख सकते हैं अपडेटेड वर्जन है एक्टिवा का। ये एक MPV है, MPV बोले तो मल्टी पर्पज व्हीकल, जिसमें आप मतलब पूरी फैमिली को बिठा के आराम से कहीं जा सकते हो। 7 सीटर है बेसिकली, बजट वाली। तो चलिए इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बाहर खड़े तो रहना, इसका यार एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। वैसे गाड़ी को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है, तो रोड पे आ चुकी तो देख चुके, बट फिर भी हम आपको अपना ओपिनियन बताएं। ये जो फ्रंट लुक है ना, जो फ्रंट प्रोफाइल है गाड़ी की, वो टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा से मिलती जुलती है। अगर मैं ये जो सारी लाइट है और बोनेट डिजाइन की बात करूं, टोयोटा क्रिस्टा से मिलता है, और जो लाइट ज्वाइन होती है ना ग्रिल के साथ, ये बेसिकली BMW का फीचर है। और अगर मैं इसकी स्पेशली इस क्रोम ग्रिल की बात करूं, तो भाई ये क्रोम ग्रिल पहले XUV500 में आ चुकी है, तो ये महिंद्रा की कॉपी की गई है। और ये जो सी शेप फोग लैंप की जो हाउसिंग है ना, ये तो हर मारुति गाड़ी में देखना आप। अब जो अपडेट आ रही है वो सब सी शेप फोग लैंप हाउसिंग की चौड़ी भी करती, ऊंची भी करती, लंबी भी करती, बट इसका टायर साइज रखा वही सेम 15 इंच। 16 इंच के टायर दे देते, जरा इसके टायर देखो यार, थोड़े से अलॉयज भी बेटर हो सकते थे, बट ठीक है चलता है। बट 15 इंच के टायर की जगह अगर ये 16 इंच के टायर देते तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है कार। और साइड प्रोफाइल में एक चीज और बताऊंगा मैं, थोड़ा कैमरा आप रूफ देखोगे, इस गाड़ी की रूफ है ना ऐसे प्लेन या वो नहीं है, ऐसे ऊपर की तरफ है। ये बेसिकली मारुति ने इसको बल्कि लुक देने के लिए और थोड़ी बल्कि लगे ऐसी रूफ थोड़ी खड़ी खड़ी सी बनाई। और एक और फीचर जो मैं बताना चाहूंगा वो इसका गेट। आप एक बार ये देखो गेट के आगे वाले गेट से कितना ज्यादा खड़ा है, ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि आप पीछे ज्यादा स्पेस है सेकंड रूम में आगे की जगह। तो एक और जो चीज है वो है इसकी फ्लोटिंग रूफ। क्या फ्लोटिंग रूफ, आप ये थोड़ा सा गैप देख रहे हो, गैप दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं कि फ्लोटिंग रूफ हो गई है, ये फ्लोटिंग रूफ है। एक जो इसमें कमी है ना वो डिजाइन से अलग है, मैं वैसे बताऊँ तो इसका जो रियर डोर वो बंद नहीं होता ढंग से। आओ थोड़ा इधर आकर देख लो। और ये मतलब एक दो कारों में नहीं, हमने 3-4 कारों में ट्राई कर चुके हैं, और ब्रेजा में भी, मेरे पर्सनल ब्रेजा उसमें भी यही दिक्कत है, मतलब इसे तेज बंद करो तो बंद होगा, वरना तो रियर डोर में ही दिक्कत है। रियर डोर भी दिखा दो, ये देखो एक इसमें बंद हो रही है, आप चलते अपने ये कुछ जानी पहचानी लगी होगी, नहीं लगी मैं बता देता हूँ, ये एल शेप जो लाइट्स है, कौन सी गाड़ी देखी भाई मैंने बता दी, कितनी गाड़ियाँ बताऊँ आपको मैं, पहली वोल्वो, दूसरी भाई स्कोडा कोडियाक उसमें भी आती है, होंडा CRV, होंडा ZED, तो आप कितनी कार और क्या और भी वोल्वो की और गाड़ियाँ निकाल दो उसमें भी ऐसी लाइट आती है। ये जो थोड़ा स्पॉइलर देखते ना आप ध्यान से, ये उसका जुड़ता है इग्निस से, मारुति जो इग्निस है उससे जुड़ता है, जिसमें काम कर रहा है भाई बट फिर मैं वही कहूंगा, देखो स्पोर्ट्स कार या कोई स्टाइल स्टेटमेंट कार तो है नहीं, ये एक मल्टीपर्पज व्हीकल है। बेसिकली आपको कहूँ मैं, ये एक बजट इनोवा का बजट अगर किसी को देखना है, बजट कार चाहिए वही है, सस्ती इनोवा क्रिस्टा, तो आपको ये मिलेगी मारुति अर्टिगा में। बस यही था एक्सटीरियर लुक के बारे में, अब चलते हैं अंदर और इसके इंटीरियर की बात। इंटीरियर की हम बात करें, इसमें ना 3 टाइप का इंटीरियर दे रखा है बेसिकली कलर में। पहले ऊपर वाला है सिल्वर कलर का,
जो इसके बीच में दे रखा है वो है इसमें वुडन की वेजिंग, जो काफी अच्छी मतलब प्रीमियम फील देती है इस कार में, थोड़ी लगती है लग्जरी। और नीचे दे रखा है बेज कलर का, जो मतलब एयरी फील देता है गाड़ी में बैठ के, कि आपको ऐसा लगता नहीं कि अंधेरे से बैठे हुए कुछ भी। और फिर बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की, स्टेयरिंग व्हील वही अपना पुराना स्विफ्ट का, जो अभी नया है स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट में सेम है, फ्लैट बॉटम वाला, फ्लैट बॉटम वाला। और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे ना तो जो एसी जो वेंट्स है ना वो वैसे तो चार है, बट ये कनेक्ट कर रखा है, ट्रीटमेंट दे गई, तो ये भी एक कॉपी सा लगता है अपनी ऑडियो में आता है, बट ये देखने में काफी अच्छा, काफी अच्छा नो डाउट, बट वही कॉपी वाला मैटर है। बट ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है ना वो काफी अच्छा, क्वालिटी जो प्लास्टिक क्वालिटी ना वो वही है हार्ड बेकार, मतलब वो दम नहीं है, कुछ बात कर ही नहीं सकते मारुति का, आप लोगों को पता ही है, दिखने में अच्छा है बट क्वालिटी बेकार है। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो कुछ इस तरीके का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखता है। जो ये स्मार्ट हाइब्रिड है तो इसमें ऐसा दिखेगा, और ये काफी सारे फीचर्स है जैसे कि ये दिखा रही है, और ये टाइम बता रही है, फिर ये टॉर्क और पावर जैसे कि बलेनो में भी आता है और नई सियाज में भी आ रहा है तो ये भी देख सकते हैं आप इसमें। और ये बैटरी जैसे हाइब्रिड है तो आपको बताएंगी, इसमें बेसिकली दो बैटरी दे रखी है, एक आगे और एक पीछे। तो ये था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो बाकी जो चीजें तो इसमें बेसिक ही है जो सारी में आती है। अर्टिका के स्टोरेज स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें 6 बोतल होल्डर्स हैं, जिसमें आप 1 लीटर की वाटर बोतल इजीली स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करूं तो वो भी काफ़ी डिसेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज, बट इसका जो आर्म रेस्ट है उसके नीचे जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम है। और फ्रंट में एसी कंट्रोल्स के नीचे भी थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, जहां आप अपना मोबाइल और कार की कीज रख सकते हैं। और 2 ग्लास होल्डर हैं जो कि कूलिंग फंक्शन के साथ है। तो आप बात करते हैं हम इसके इंजन की, इंजन और हैंडलिंग की दोनों एक साथ बताता हूं। हाँ। तो ये है पेट्रोल मॉडल है इसका, आर्टिका का ZXI प्लस, हाँ, टॉप मॉडल। हाँ। तो इसमें जो है मारुति ने नया इंजन दिया है 1.5K15 का पेट्रोल इंजन, जो कि अपनी पहले सियाज में भी आ चुका है, उसमें डेब्यू हुआ था उसका। हाँ। हाँ। तो ये इंजन 105 हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है और 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये इस इंजन से हम अभी फैमिलियर नहीं है क्योंकि हमने अभी मिली है गाड़ी तो चला रहे थे, तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा ना तो इस गाड़ी मतलब इंजन का पंच अच्छा है, आपको कहीं भी लैग या कुछ भी ऐसा कि यार अंडर पावर है कुछ फील नहीं हो रहा अभी। मतलब गाड़ी अभी मैं पैसेंजर नहीं है, वैसे तो ये 7-सीटर है, पैसेंजर नहीं है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, और हम उस हिसाब से चला भी नहीं रहे, मतलब अपने नॉर्मल सिटी की ड्राइविंग के हिसाब से बताएं तो आपको अच्छा मजा आएगा गाड़ी चलाने में। और अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो एक आपको पता ही है MPV है, कोई स्पोर्टी सेडान या हैचबैक तो है नहीं, तो अपने रेस ट्रैक पे लेके जाना है इन गाड़ी को। हाँ। तो आपको तो, सिटी में चलानी है तो उस हिसाब के हिसाब से हैंडलिंग अच्छी है, काफी अच्छी है। और इस कार की जो क्लच है वो काफी लाइट है, अब ड्राइव सिटी ड्राइविंग के लिए एकदम परफेक्ट है। और जो इसके गियर थ्रोज है वो जो बाकी मारुति कार्स होती है उतने ही है, जैसे ब्रेजा और स्विफ्ट वैसी है, बाकी तो सेम ही देती है मारुति, कुछ चेंज करने का आपको मौका देगी नहीं वो। और डीजल की बात कर लो तो यहाँ डीजल में तो आपको वही सेम इंजन मिलेगा, उसकी तो हम बातें कर करके थक चुके हैं, बट वो इतना है, बट ये जो पेट्रोल इंजन है मेरे को पसंद आया इसमें, मेरे को मैं पहली बार चला रहा हूँ ये इंजन और मेरे को काफी अच्छा पंच और पेप इंजन लग रहा है, ये दो में तो लग ही रहा है, मतलब फन टू ड्राइव है ना। हाँ लग रहा है, मतलब कि काफी आप इसे अभी मैं पुल करके दिखाता हूँ आपको, 5000-6000 RPM तक, मतलब ये नहीं है कि खींच रहे हैं, वो देख गया कि पीछे ट्रैक कर रही है सीट पे। तो हम आपको आप दिखाते हैं इसका 0-100, तो आप जरा एक बार इसका 0-100 देख के आइए। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी जो सीट्स है उनका कंफर्ट कैसा है। फ्रंट टू जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल है। हाँ, बेसिकली ये वाली सीट वही सेम सीट है जो डिजायर वगैरह में आती है, और आपको पता ही है कि मारुति सीट वाइज काफी अच्छी बनाता है, तो फ्रंट टू सीट तो काफी अच्छी। हाँ। जो इनके साइड बोलस्टर है वो भी काफी सपोर्टिव है, और तो ये सीट भी चौड़ी है, चौड़ी क्योंकि गाड़ी जो है वो पिछले वाले से चौड़ी है। हाँ। तो इसमें अंदर भी स्पेसिंग काफी ज्यादा, और हेडरूम वगैरह भी काफी ज्यादा, देखना जरा मेरी हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा हेडरूम भी है इसमें, और जो हेडरेस्ट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब हाइट भी बताई तूने आज, हाइट अपनी वही 6 फुट वाली है भाई, तो राणा की 6-3 आपको पता ही होगा,
तो उस हिसाब से तो अब आ चुके हम इसके पीछे, जो पीछे की राइड क्वालिटी की बात करने आ रहे हैं। और पीछे की सीट कंफर्ट बताऊं तो मैं, लेग रूम काफी है, काफी ज्यादा लेग रूम है जैसे कि आप देख सकते हैं। राणा की हाइट के हिसाब से और जो मतलब आगे बैठे हुए हैं उसके हिसाब से भी काफी ज्यादा लेग रूम है। और ये हैंड रेस्ट काफी ऊपर है देखो। नहीं नहीं, बेसिकली हमने अभी सीट रिक्लाइन कर रखी है, बट फायदा क्या आपको इसे, मैं चलो आपको जो आगे कर दूंगा नीचे पोजीशन लाऊंगा तो मेरे को ऐसे सीधा होकर बैठना पड़ेगा, और अगर मैं रिलैक्स पोजीशन में चला दूंगा तो ये भी तो ऊपर आ गया। ये देखो आप कितनी मतलब रिक्लाइन हो सकती है, अगर थोड़ा और नीचे कर देते ना तो कंफर्टेबल बैठ जाता, बट ये तो फिर दुखी होना काम है। और बाकी यहाँ ये चार एसी वेंट्स हैं जो कि बेसिकली एसी वेंट्स नहीं है, ये है ब्लोअर टाइप है, ब्लोअर है, यहाँ से आगे से हवा खींचते हैं और यहाँ हमें हवा देते हैं। हाँ। और यही जो थर्ड रो है उनके लिए, हाँ। वो अगर यहाँ दो होते और यहाँ दो इंडिविजुअल होते उनके लिए तो काफी अच्छा है। बाकी सीट कंफर्ट है और इसकी पीछे की राइड क्वालिटी बता दो तो वो भी कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और आप ये प्रेफर करते हो कि भाई मेरा ड्राइवर चलाए और मैं आराम से जाऊं, तो ये आपको इस कार में मजा आएगा। काफी ज्यादा स्पेसियस है मतलब पिछले वाली अर्टिका से, और मतलब और हमारे जैसे 6 फुट के 3 जने बैठ सकते हैं, इजीली बैठ सकते हैं विदाउट कोई भी दिक्कत। ये हेडरूम वगैरह भी, हेडरेस्ट वगैरह भी दे रखा है, एडजस्टेबल है, कंफर्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और सेकंड रो स्पेस और वो कंफर्ट टॉप क्लास। अब चलते हैं थर्ड रो में, तो अब चलते हैं थर्ड रो और वहां का स्पेस और कंफर्ट देखते हैं। तो यहां से लीवर पुल करा और इसे आगे की तरफ स्लाइड करके और पीछे जाके बैठ गए। और अब मैं इसे ये करके दिखाता हूँ, ये पूरी पीछे अभी सीट नहीं आ रहे भाई, तो क्यों हो गया, पानी आए। तो जैसे कि अभी आपने देखा अपने राणा भाई फंस गए, तो अब मैं चल के देखता हूँ कि मैं बैठ जाऊँगा इजली या नहीं बैठूंगा। तो बेसिकली इसका ये वही है, इसे यहाँ से पुल करो और ऐसे ड्रैग कर दो इसे आगे की तरफ, और फिर इजली हम उसमें यहाँ जाके थोड़ा इसे पीछे लो और बैठ गए। जैसे कि मैंने बिल्कुल आगे कर रखे, बिल्कुल आगे तो नहीं, थोड़ी बहुत आगे कर रखी है कार, और तो उसके वजह से मेरे को लेग रूम काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। मेरे हिसाब से लेग रूम इतना है, और ये राणा का लेग रूम देखोगे आप यहाँ तो मैं फंस चुका हूँ यहाँ, मेरे लिए नहीं है थर्ड रूम। तो और आपको अगर हेडरूम दिखाए तो हेडरूम आप देख सकते हैं, मेरा तो सर टच हो रहा है, मेरा भी बचाओ, अपनी हाइट थोड़ी सी कम है, जस्ट बचाओ तो। बट आगे आपको मैं इसके हेडरेस्ट की बताता हूँ, जो हेडरेस्ट बेसिकली अभी बिल्कुल नीचे कर दो तो मेरी कमर पे ही लग रहा है, और ऊपर करने के बाद सही है अपना हेडरेस्ट। और ये सीट रिक्लाइन हो सकती है, रिक्लाइन करिए एक बार, तो यहाँ से रिक्लाइन होती है और मतलब इतनी रिक्लाइन हो सकती है इजिली। तो अगर मैं सीट आगे कर देता हूँ ये आगे वाली और फिर बैठ जाता हूँ तो इजिली मतलब 2-3 घंटे का सफर हो जाएगा मेरा। बट अगर इस सीट को अभी ये पीछे है पूरी, बट ये पूरी रिक्लाइन नहीं है, हाँ। ये अभी थर्ड रो और रिक्लाइन हो सकती है जहाँ मैं बैठा हूँ, बट मेरे पैर फंस चुके हैं और थर्ड सी की अंडर थाई सपोर्ट तो आई नहीं, घुटने थोड़ी देर में मेरी छाती में होंगे, ये हालत है। और जो ये बैक की कुछ नहीं है, अभी बहुत हार्ड है, मतलब ज्यादा देर आप इस पे, ये बच्चों के लिए ही है, हाँ। और वो नहीं, और बॉडी रोल है बेसिकली, वो बॉडी रोल का क्या मैटर, तो बेसिकली एमपीवी है तो बॉडी रोल तो है, थोड़ा बहुत तो होगा, कोई वैसी कार तो है नहीं कि इसमें रोल ना, बॉडी रोल ना हो। बाकी इधर एक ग्लास होल्डर इधर है, एक ग्लास होल्डर इधर है, और बाकी 12 वोल्ट चार्जर दे रखा है इधर, ये बेसिकली सारी जगह, आगे भी 2 दे रखे हैं, एक पीछे भी है, एक बीच में भी है। और एसी थर्ड रो का वही है, बट उसकी हवा लग रही है काफी, मतलब हमने एक पे ब्लोअर कर रखा और हमें लग रही है हवा इजिली, और बस यही है। और विंडो, जो विंडो एरिया है वो भी ठीक है, काफी ज्यादा, हाँ सही है, क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता पीछे बैठे, बैठ के आपको ऐसा लगेगा भाई उल्टी पड़ेगी, उल्टी पड़ेगी, ऐसा कोई मैटर नहीं। अगर वो घुटन सी हो रही है यार, कहाँ बिठा दिया, एरी फील आती है, मतलब सही है। बाकी थोड़ी देर के लिए ठीक है, हमारे जैसे के लिए ज्यादा देर थर्ड रो में नहीं बैठ सकते। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं तो इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, और काफी अच्छा एक स्पेस का यूटिलाइजेशन करा गया है सुजुकी के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम लिड रिमूव कर सकते हैं जो एक स्पेस इंक्रीज कर देगा इसमें। इसमें हम अपनी वैल्यूएबल चीजें रख सकते हैं जैसे कि गूगल लैपटॉप वगैरह, और उसके बाद हम इसे कवर करके हम ऐसे सेफ भी रख सकते हैं, और हम इसे नीचे भी कर सकते हैं तो कि जैसे ट्रॉली बैग वगैरह हो गए वो भी रख सकते हैं हम इसमें। तो ये था इसके बूट स्पेस के रिगार्डिंग। तो अब अगर मैं इसके आपको एवरेज वगैरह की बताऊं तो इसकी एवरेज लगभग होती है 13-14 की, वो भी हाइब्रिड होने के बाद। तो आप सोच सकते हैं अगर इसमें ऑटोमेटिक लेते हैं तो हमें पड़ती है लगभग
11-12 की एवरेज देती है उसमें, और जो कि डीजल इंजन BS6 आने वाला है तो उसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा नहीं उसमें डीजल इंजन इसमें। तो अभी जो मेन चीज़ जो ये लैक करती है कार वो है इसमें CNG। तो CNG क्यों लैक कर रही है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड सिस्टम देखा हाँ, तो जिसकी वजह से आप इसमें अभी CNG नहीं लगवा सकते। तो इस चक्कर में आपको ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहेगा जो पिछले वाली अर्टिगा है उसके, क्योंकि पिछले वाली अर्टिगा मोस्टली बिकी CNG की वजह से है, क्योंकि उसमें कंपनी फिटेड CNG आते हैं। बट मारुति क्या रहेगी आने वाले टाइम में हाइब्रिड सिस्टम के साथ वो CNG ले आएगा। मारुति सुजुकी अर्टिगा का डिटेल। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारी जो नई नई वीडियो आएगी आज तुम्हें नोटिफिकेशन तभी तो आएगी। कुछ भी करके जाना, मतलब लाल बटन जो है ना लाल सब्सक्राइब वाला उसे दबा के जाना, और हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, मतलब और जल्दी हम ट्विटर पे भी आ जाएंगे। तो हम अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी छोटी छोटी वीडियोज़ या शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ डालते हैं, क्लिप्स डालते हैं अपनी वीडियोज़ की जो हम यूट्यूब पे डालते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और देखने भी मज़ा आता है। तो आप हमें जाके सारी जगह फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। राम राम, राम।